नमस्कार, एसक्यूब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर एनके शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है एनके शर्मा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं शर्मा जी की दुनिया भर में एक एंग्जाइटी का लेवल तो जरूर बढ़ रहा है लोगों में, एक अनसर्टेनिटी भी है कि अनिश्चितता भी है कि कब इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, कब हम वापस एक नॉर्मलिसी की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत सी ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों में इंसोम्निया या स्लीप डिसऑर्डर के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो और ये सिर्फ एजड लोगों में नहीं है, यंग एज में भी ये मामले सामने आ रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसकी वजह एंग्जाइटी है, क्या जब आसपास का वातावरण थोड़ा टेंस हो जाता है तो क्या उसका असर हमारी मानसिकता पर भी पड़ता है, हमारी सोच पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है, और जिससे कि आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, किस तरह के हम तरीके अपना सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें एक पीसफुल, एक परफेक्ट स्लीप मिले। पूर्णिमा जी, इसमें ऐसा है कि बेसिकली हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है जो एक सर्टन लेवल तक स्ट्रेच होता है, फिर हम जब उसको एक्साइटमेंट के कारण या हमारी नीड के कारण हम जब उसको ओवर यूज करने लगते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम की एक आदत होती है कि वो उस चीज को धीरे धीरे वो हैबिचुअल होकर उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करता है और फिर वो ऐसे ही बनने लग जाता है। अभी आपने एक सिंपल सा एग्जांपल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम नंगे पांव चलते हैं तो हमारे पांव बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो धीरे धीरे जब हम पत्थर पे चलते हैं तो बाद में धीरे धीरे जैसे मजदूर की तरह फिर हार्ड होने लग जाते हैं। हम कान से बहुत बड़ी बड़ी, हम फैक्ट्रियों में रहते हैं, वहाँ रेगुलर हम एक आवाज़ को सुनते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसका रेसिस्टेंस डेवलप करके हार्ड हो जाता है, मतलब फिर वो हार्ड टू सेंस हो जाता है। जैसे कई लोगों के बर्तन माज माज के या काम कर करके हाथ हार्ड हो जाते हैं तो उनको फाइन सेंसेशन वाले काम वो कर नहीं सकते लोग। तो इसी तरह लोग क्या करते हैं कि जब अपने प्रोफेशन में रहते हैं तो अब ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली, क्योंकि हम कंटिन्यूसली अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। देखिए, कुदरत का एक सिंपल सा नियम था कि अंधेरा होते ही आंखें बंद हो जानी चाहिए, बॉडी के सारे पार्ट, इवन आंखें भी, कान भी और ब्रेन भी, सब कुछ रेस्ट में चले जाना चाहिए और बॉडी भी रेस्ट में चली जानी चाहिए एज ए जब जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो। लेकिन आदमी ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट की कि हमारे जो लाइट का जो आविष्कार हुआ उसके बाद में रात को जागने की जो आदत जो डेवलप कर ली तो उसके कारण प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारी जो रेटिना है जो दिन में देखती है और दिन के जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो रात को भी वो लाइट को ही देख रही होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम वो हार्मोन्स नहीं सीक्रेट करता जो अंधेरा होने के बाद सीक्रेशन होता है। तो इसीलिए अब आदमी जो है एक्साइटमेंट के कारण जो है, मान लीजिए इंटरनेट पे बैठा हुआ है या कोई काम किए जा रहा है या गपशप किए जा रहा है, क्लब में नाच रहा है, कुछ काम, कुछ भी, जो भी एक नाइट जागने की जो आदत पड़ जाती है तो फिर हमारा शरीर हमारी शरीर में टाइमिंग भी उसी तरह से अकोमोडेट करके एडजस्टमेंट करना शुरू कर देती है इस तरह से। तो इसीलिए अब हर एक चीज का एक सिंपल सा लॉ है कि आपने जिस चीज को जिस ढंग से आपने ओवर एक्टिव कर दिया, हाइपर एक्टिव कर दिया, अब उसको रिवर्स करके उतना ही वापस रिलैक्सेशन की तरफ आपको जाना पड़ता है। दुनिया में हर बीमारी का एक ही तरीका है रेमेडी के, क्रिएट द ऑपोजिट फोर्स, नाउ रिवर्स बैक टू योर नॉर्मल कंडीशन, इस तरह से होता है जी। तो जिस तरह आपने बताया कई तरीके की हमारी साइकोलॉजी, हमारी मानसिकता किस तरह से काम करती है, किस तरह हम खुद भी जिम्मेदार हैं कि हमने
एक लाइट का इजाद हो गया, तो हमने जो एक टाइम था सोने का कि आपको सूर्यास्त के बाद सो जाना चाहिए, पर ज्यादातर आध्यात्मिक जितने भी संस्थाएं हैं उनमें आप देख लीजिए तो ज्यादातर 9 बजे के बाद वहां लाइट बंद हो जाती है और सो जाते हैं, और सुबह 4 बजे। हाँ इस तरह का बॉडी क्लॉक सेटअप है और वो एक परफेक्ट भी माना जाता है, आप नेचर के साथ आपने तालमेल भी बैठा रखा है। लेकिन अब जैसा आपने बताया कि हमने नेचर के साथ जो वो बैलेंस था उसको बिगाड़ दिया है, हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह जो एंग्जाइटी भी है इसकी, जो कि हमारे लाइफस्टाइल से ही पैदा हुई है और उसे हमने ही पैदा किया है, हमें इस माहौल में फिर डिसिप्लिन होने की जरूरत है। लाइफस्टाइल चाहे हमारा बाहर के कोई भी फैक्टर हो, तो उसमें एक बड़ी वजह जो आती है, पहले कहा जाता था कि टीवी ज्यादा मत देखिए या सोने से कुछ घंटे पहले तक आप टीवी ना देखें, 1 घंटा या 2 घंटा। लेकिन अब वो बात आ गई है मोबाइल पर, क्योंकि हम अपने जब सोने जाते हैं तो बेडरूम में साथ में मोबाइल भी ले जाते हैं, और सोने से पहले हम सारे मैसेजेस, अपनी ईमेल सब देखना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन टाइम जो है वो हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जो भी हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है या जिसमें नर्वस सिस्टम को रेसिस्ट करना होता है, रेसिस्टेंस करना होता है, उन सब में हमारी एनर्जी जो है बहुत डिस्टर्ब होती है। खास करके अगर आप टीवी के सामने, अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप किसी दिन बैठ जाओ, मान लो आपने 3-4 घंटे आपने कोई फिल्म देख ली या कंटिन्यूसली आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं, तो टीवी का जो एवरेज जो रेडिएशन का जो रेंज है वो मतलब 10 फीट से 18 फीट तक होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द टीवी। तो आप जरा सोचिए कि 18 फीट तक उसकी जो रेडिएशन की जो रेंज है, तो अब रेडिएशन बॉडी के लिए कोई फूड तो है नहीं कि बॉडी जो है बड़े प्यार से उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो हमारी बॉडी जो है उसको रेसिस्ट करती है उसका। तो रेसिस्टेंस में क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलरली जब हम ऐसे बैठते भी लगते हैं तो उस दिन हमारी बॉडी काफ़ी जो है इरिटेबल हो जाती है रेडिएशन से, और वो धीरे धीरे फिर हार्ड भी होने लगती है, जिससे क्या होता है हमारी सेंसिटिविटी धीरे धीरे लॉस होने लगती है। तो इसीलिए मोबाइल से लेकर, देखिए मोबाइल थोड़ा लाइटर रेडिएशन है और जो जो टीवी है वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, तो मोबाइल और लैपटॉप का बहुत बड़ा रेडिएशन नहीं है बेसिकली, तो इसलिए उसका डर कोई रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ प्रॉब्लम जो आती है वो ये कि हमारी जो आंखें हैं, जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमारे आंखों से जो आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ रहा होता है उसका सीधा असर हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ रहा होता है। तो इसीलिए हमें जैसे खास करके जो मोबाइल की जो लाइट होती है स्पेशली, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, मतलब जो हर आदमी को केयर करनी चाहिए कि जब हम टीवी देखते हैं तो अंधेरे में या लाइट अंधेरे में कम रोशनी में टीवी कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रेस होती है वो फिर बहुत स्ट्रांगली हम पर हावी हो रही होती है। अगर आप कमरे में भी जाते हैं और लाइट अगर ऑन है तो ही आपको मोबाइल देखना चाहिए, अगर लाइट धीमी हो गई या कम हो गई उसके बाद अगर आप मोबाइल देखेंगे तो आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और रोशनी आंखों को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर रही होती है डायरेक्ट। तो ये इसीलिए हमेशा रोशनी में मोबाइल को देखें, रोशनी में ही टीवी को देखें, तो उससे फिर आपकी आंखों पे जोर थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये जो इरिटेबिलिटी जो आपको आती है वो तो अब देखिए ना, सीधी सी बात है, मैं खुद जो है इन चीज़ों के साथ अटैच होता हूँ और बॉडी फिर उसको रिएक्ट करती है, तो फिर हम परेशान भी होते हैं। तो अब ये तो जैसे बोलते हैं, कोई कहता है कि साहब मैं आग में हाथ डालता हूँ ना तो मेरी उंगलियाँ जलने लगती है जी, तो भैया आप डालना बंद करो ना यार, थोड़ा कम करो ना यार, तो मतलब धूप में जाता हूँ तो पसीना बहुत आता है, तो भैया थोड़ा कम जाओ ना भाई थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, तो इट इज़ ऑल पर्सनल सेल्फ कंट्रोल है एक्चुअली वास्तव में ये जी। तो पर्सनल सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, जब आपको मोबाइल की जरूरत ना हो और जब आपको लगता है कि आप सोने जा रहे हैं तो उसे स्विच ऑफ कर दीजिए अपना। ये लोग अक्सर मैंने सुना है, लोग ये भी कहते हैं कि आपको अपने घर का वाईफाई बंद कर देना चाहिए जब आप सोने जाएं, कम से कम 8 से 10 घंटे आप उस रेडिएशन से बचे रहेंगे जो आपकी बॉडी के लिए बहुत घातक है। बहुत सही कहा और इसे बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी में बंद करने के क्या होता है मालूम है,
हम रात को जिस एनर्जी में जाकर हम सोने जा रहे हैं ना, जैसे अभी हमारा कमरा है, बेडरूम है, तो बेडरूम में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे गपशप और बहुत ज़्यादा उसको बातचीत नहीं होनी चाहिए, और बेडरूम को जनरली लोग मतलब वास्तु वाले कहते हैं कि इसको ऑफिस मत बनाया कीजिए। कारण क्या होता है कि उसमें ना फिर वो वाइब्रेशन, देखिए ना, आफ्टर ऑल यू आर इन एनर्जी एंड वॉट एवर एनर्जी यू आर क्रिएटिंग यू आर इन्फ्लुएंसिंग ऑल द नॉन लिविंग एंड लिविंग अराउंड यू। तो आप जो भी वाइब्रेशंस ऑफिस में क्रिएट अपने बेडरूम में क्रिएट करते हैं, आपको उसी बेडरूम में उस वाइब्रेशन में सोना है। अब अगर इसीलिए ये भी एक कहावत है कि बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, और जनरली वास्तु वाले लोग कहते हैं कि, और वो सही भी कहते हैं कि आप अपने टीवी को जो है कपड़े से ढक दीजिए। पहले वाले जो टीवी आते थे आज से कोई 25 साल पहले, तो उसमें एक ढक्कन होता था ऐसे टीवी को ढकने का, तो ये बहुत अच्छे टीवी थे वास्तव में। पर आजकल के टीवी आते हैं तो उसके ऊपर एक पर्दा जरूर हर एक को डालना चाहिए कि जिससे उसकी रेडिएशन जो है टोटली क्लोज हो जाए। तो ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल जो एनर्जी है ना, इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस, दे ऑल इन्फ्लुएंसेस आवर एनर्जी फील्ड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब हम इसकी बात ही कर रहे हैं कि जो सबसे कम जो जाना गया जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड एनर्जीज, जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती है। देखिए, जब हम सोने जाते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हुए हैं, यानी कि आपके स्विच बोर्ड भी, अगर आपकी बिल्कुल बेडरूम आपका बेड है, आपके स्विच उसके बेडरूम के ऊपर स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, आपके पास में स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इधर स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो ये सब उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम से कम नहीं तो भी 4-5 फीट तक जो है उसका वो रेंज जो है चल रहा होता है। बेसिकली ये आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने के लिए कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो हमारे पास भी होते हैं, तो हम उससे जब जाके चेक करते हैं तो वो 4-5 फीट से ही पिप 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 उसकी जो बीप है वो शुरू हो जाती है। तो अगर आप उसके अंदर सो रहे हो तो आप अच्छी नींद की आशा कभी नहीं कर सकते। और तो इसीलिए आपने जो कहा अभी कि वाईफाई जो है बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए, टीवी को भी ढक देना चाहिए, और साथ ही साथ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के ठीक दीवार के पीछे एक लैबोरेटरी है, बेसिकली क्लिनिकल लैबोरेटरी है, तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हुए हैं। तो अब अनलकीली समझ लें कि उसी दीवार के ठीक पीछे मेरा बेडरूम है। अब मैं रात को वहां पे जब मैं सोता था तो मुझे बड़ी ड्रीम वाली नींद आती थी, मुझे रोज कई दिनों तक। और जो डॉक्टर सविता है मेरी वाइफ, वो कहती थी कि मैं सुबह उठती तो मेरा सर थोड़ा थोड़ा भारी रहता है यहाँ से। तो हम लोग तो पहले तो ऐसे ही सोचते हैं, खाना गड़बड़ कर दिया होगा, आज पता नहीं नींद ढंग से नहीं आई हो, कुछ भी। तो कॉज कभी भी एनवायरमेंटल हैजार्ड्स पे नहीं दिया हम लोगों ने। कई दिनों तक ये ऐसे महीना, 2-3 महीना चलता रहा, तब फिर मुझे डाउट आया कि भाई कुछ गड़बड़ है यार इस कमरे के अंदर, क्योंकि इतनी तो खराब नींद हमारी होनी नहीं चाहिए, हमारा खाना बड़ा बढ़िया रहता है। तो फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक वो इंस्ट्रूमेंट से जाकर जब मैंने चेक किया तो मैं हैरान हो गया कि कम से कम 7-8 फीट तक उसकी जो उस साइड की जो रेडिएशन और जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो रेंज है वो मेरे कमरे में वो दीवार पार करके आ रही है, क्योंकि आजकल जो दीवारें हैं वो मुश्किल से 8-9 फीट की होती है। तो 8-9 इंच की तो एक, यानी कि 1 इंच की दीवार होती है आजकल जो दीवारें होती है हमारे जो फ्लैट सिस्टम जो है उसके अंदर, तो उसके अंदर तो उसकी जो रेस है वो मेरे अंदर आ रही और मुझे रोज डिस्टर्ब किए जा रही थी। तो और बीच में मैंने ऐसा भी प्रयास किया कि मैंने उल्टा सोना शुरू किया, यानी कि तकिया मैंने उल्टा उस तरफ कर दिया, तो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया। तो मैं सोचता था कि यार मेरी टांगें भारी क्यों होती है रोज। तो ये सब चीजें पहले खान पान से रिलेटेड करते थे, लेकिन बाद में मुझे एनवायरमेंटल एनर्जी का समझ में आया तो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर विद एवरी पेशेंट नाउ। अब मैं हर मरीज को ये जरूर पूछता हूँ कि आपके घर में आप जहाँ सोते हैं वहां पे किस तरह की एनर्जी है। तो नींद के मामले में एनवायरमेंटल एनर्जी और वाइब्रेशन चेक करना बहुत जरूरी है। आपने कभी नोट किया होगा, आप घर में सोते हो तो आपको नींद अच्छी आ जाती है, मतलब क्योंकि आपका वहां एक कंडीशन माइंड भी है। लेकिन कई बार आप कई होटलों में या कई दूसरों के घरों में जाते हैं ना, वहां पे रात भर नींद नहीं आती, मतलब बहुत देर लग जाती नींद आने में।
कारण क्या होता है, क्योंकि वहां की एनर्जी बड़ी डिफरेंट है इस तरह से। अच्छा, जिनकी थोड़ी सेंसिटिविटी हाई होती है ना, वो एनवायरमेंटल एनर्जी को जल्दी पकड़ लेते हैं। अब जैसे डॉक्टर सविता मेरी जो वाइफ है, वो थोड़ी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को जल्दी पकड़ लेती है, तो जब किसी होटल में जाती है या किसी भी हम कमरे में जाते हैं, वो कहते हैं कि इस होटल की एनर्जी अच्छी नहीं है, ये कमरा बदल दो, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो मैं बोला नहीं भैया, ये तो मैं बोला डेकोरेशन तो बड़ा अच्छा लगता है, इंटीरियर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा वॉइस पे तो मुझे गलत तो नहीं लग रहा है। तो वो बोला कि नहीं, तुम्हें फील नहीं हो रहा, मुझे फील हो रहा है कि यहाँ रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो हम वाकई में फिर हम जब उसमें रहते भी हैं तो हमें वाकई में रात को नींद नहीं आ रही होती, बड़ी करवटे वाली, करवटे बदलने वाली नींद होती है। तो इसका मतलब है कि वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फूड, आवर माइंड एंड एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस एंड नेगेटिव फोर्सेस आल्सो, ये समझ के चलना पड़ता है जी। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जहाँ हम सो रहे हैं, जहाँ वहाँ जिस कमरे में हम हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज्यादा ना हो, क्लीन हो, क्लटर ना हो वहाँ ज्यादा। और आपकी एक जो हाइजीन भी मेंटेन करने की बहुत जरूरत है अच्छी नींद के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैसे तो एक समय होता है कि मैंने ऐसा देखा है कि जब हम यंग एज में होते हैं और हमारी बॉडी की रेसिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, तो मैंने देखा है कि यानी कि एक 20-25 साल तक समझ लो आप, उस समय तक तो आपको रात को कहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं कि आप कौन से भीड़ भाड़ में सो रहे हैं, शादियों में जाकर बारातों में हम ऐसे ही सबकी भीड़ में जाके पड़ जाते हैं, हमें रात पर बड़ी अच्छी नींद भी आती है। तो मतलब मुझे इसमें क्या समझने की बात है कि हमारा नर्वस सिस्टम जब तक थोड़ा टॉलरेंस की स्थिति में है, तब तक वो आपकी नींद में कोई आपको खलल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देगा। तो आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा करीब करीब 22 घंटे सोता है स्टार्टिंग में जब पैदा होता है, तब फिर धीरे धीरे उसकी नींद 20 घंटे, फिर 18 घंटे, ऐसे बढ़ते करते करते फिर उसकी नींद जो है फिर 10-12 घंटे की होने लग जाती है। तो ये इसका मतलब ये है कि समय के साथ साथ हम जब यंग एज में आ जाते हैं, उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम फिर धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि आदमी फिर ओवर यूज भी करने लगता है उसको इस तरह से। तो ये थोड़ा फैक्टर जो है समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि जो नींद है हमारी, ये नेचुरली डिजाइंड है ऑटोमेटिकली, यानी कि इसको कभी लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आदमी को। मैंने इसके बारे में एक शेर लिखा है कि भूख शौच यानी कि मोशन, भूख शौच शक्ति और नींद, भूख शौच शक्ति और नींद नहीं आती कभी बुलाने से, न दवाओं से, न इलाजों से, न जब को पलटाने से। ये नेचुरल है, यानी कि आप भूख लगा नहीं सकते बॉडी में, आप शक्ति कहीं से ला नहीं सकते, आप नींद कहीं से खींच के ला नहीं सकते, आप जो है मोशन को जबरदस्ती ला नहीं सकते, ये सब नेचुरली डिजाइंड है आने के लिए। आप इसके रास्ते में बाधा मत पैदा करो, तो बॉडी तो चाहती है, मतलब ये तो बॉडी का नेचुरल स्वभाव है कि आएगा ही, आप नहीं चाहोगे तो भी आएगा। तो इसीलिए हमें उसके जो हर्डल्स होते हैं वो हर्डल्स हमें ठीक करने पड़ते हैं। तो नींद के मामले में एक मैंने बहुत सारे जो एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं कि पहली बात आपके फूड के ऊपर भी जो है आपका खाना, आपका जो नींद निर्भर रहता है, और प्लस आपका मेंटल एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो आपने बताया उसके ऊपर भी निर्भर रहता है इस तरह से। तो अब मेंटल और एंग्जाइटी जो है ना, देखिए क्या होता है कि ये एक हैबिट से हो जाती है आदमी की कि वो 24 घंटे जो है ना वो मतलब अपने ऑफिस के काम धंधे को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर उसी के अंदर सारे दिन जो है ना रोटेशन करता रहता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे नियम क्या मालूम है कि व्हाट वी प्रैक्टिस दैट बिकम्स आवर हैबिट एंड आवर कंडीशनिंग। तो अब आप क्या, आप जानबूझ करके देखो ना, आप खाना खा रहे हो तो भी कुछ ऑफिस की बातें सोच रहे हो, आप पानी पी रहे हो तो बातें वही सोच रहे हो, तो आप बीच बीच में आप सोने भी जाते हो तो वापिस वही बातें लेके आ रहे हो, तो आप खुद उस विचारों को प्रोत्साहन भी देते हो, उनको फीड भी करते हो, उनको मल्टीप्लाई भी करते हो, और बाद में फिर जब आप सोने जाते हो तो आपका वही माइंड जो हैबिचुअल हो गया, कंडीशन हो गया, वो अपने हैबिट के अनुसार वो माइंड एक्टिव रहता है। तो आप क्या बोलते हो, मेरा माइंड जो है ना शांत नहीं होता, मेरे को नींद नहीं आती है ढंग से,
भाई साहब आपने अशांति का अभ्यास किया है, आपने शांति का अभ्यास नहीं किया, आपने चंचलता का रेस्टलेसनेस की आपने प्रैक्टिस की है। तो अब इस प्रैक्टिस को रिवर्स करो कि मैं शांत कैसे हो सकता हूं, मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूं। तो अब वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, जहां पर आपका दिमाग ज्यादा चिंता में न जाए या उसी विचारों में जाए, आपने देखा होगा कि फिर आप मतलब बच्चों के साथ खेल रहे हैं या आप कोई अपना कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप कोई अच्छी फिल्म देख रहे हैं, आप कोई कविता लिख रहे हैं, मतलब यू आर इंसर्ट टू क्रिएटिविटी और विद योर फैमिली मेंबर्स यू आर लाफिंग यू आर गॉसिपिंग। तो उससे क्या होता है, आप उस पर्टिकुलर थॉट को जो है ना फिर फीड नहीं कर रहे होते हो। तो इसीलिए माइंड का डायवर्शन जो है ना एक पॉजिटिव चीजों की तरफ वो करना बहुत जरूरी होता है हर आदमी को। अगर उसकी नींद की समस्या है तो कि अगर वो यूं कहता है कि मेरा मन बहुत भागता है, मेरी चैन मेरा मेरे को नींद नहीं आती, तो इसका मतलब है आपने भगाने की प्रैक्टिस की है इस तरह से। जी जी, तो अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने खुद ही आदतें डाली, आपने आपको अब उसको रिवर्स करने की जरूरत है, आपने मन को भगाने की प्रैक्टिस की है, बॉडी तो चाहती है कि उसको सही समय पर प्रकृति के अनुसार जो उसका समय तय है, जब सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद उसे सोना होता है, और सुबह जैसे कहा जाता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग सनराइज के साथ साथ आपको उठ भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि अब जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, घरों में लोग कन्फाइंड है, अब ऐसी स्थिति में अगर जो लोग और साथ ही साथ, तो इसका भी क्या असर हो रहा है आपके बॉडी पर? हाँ देखिए क्या होता है, बॉडी बॉडी का एक सिंपल सा नियम क्या मालूम है, कितनी एनर्जी डेली लॉस होती है उसी के अनुसार वापस रिचार्जिंग होती है। मतलब आज भी समझ लो आपकी जो मोबाइल की बैटरी है, आपने कितनी कॉल अटेंड की, आपने उसको यूज किया, तो उस दिन उतना ही आपको चार्ज करना पड़ता है लंबे समय तक। अगर आपकी मोबाइल आपने मुश्किल से दो चार कॉल ही यूज किए, तो आप तो फिर दो तीन दिन भी आराम से चला लोगे मोबाइल को। तो ये सेम सिस्टम बॉडी के साथ भी, क्योंकि बॉडी में एक जनरल एक एनर्जी का रिजर्वायर है, वो दिन भर में जब खत्म होने लगता है तो फिर आपको ना सुस्ती आने लगती है, बॉडी अपने आप हैवी होने लगती है, आंखें भारी होने लगती है। पर अब यहाँ पे क्या हो गया कि घर में रहने के कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, और उसमें उसके कारण हो क्या रहा है कि एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी कम भी हो गई है, साथ साथ में क्या हो गया कि वो आदमी थोड़ी बहुत झपकी कहीं ना कहीं 24 घंटे 12 घंटे में, मतलब दिन भर जो जाग रहा होता है कहीं ना कहीं थोड़ी ले लेता है, कोई 1 घंटा सो रहा होगा, कोई 2 घंटा सो रहा होगा, कोई आधा घंटा सो रहा होगा। तो ये देखिए बॉडी का एक सिद्धांत क्या मालूम है कि अगर आपकी एक बॉडी की जो बेसिक नीड है नींद की, वो कहीं पूरी हो गई, अगर दिन में थोड़ी पूरी हो गई, तो फिर रात को आपका वो 1-2 घंटा जो है आपका नींद कम करेगा ही, क्योंकि बॉडी कहती है भैया आपकी मोबाइल की बैटरी 70% तो चार्ज दीजिए, अब 30% जो बची है मैं रात को थोड़ा चार्ज कर दूंगी। तो इस तरह से फिर रात को फिर आपकी नींद जो है बहुत कमजोर हो जाती है और अच्छी गहरी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए आपकी आपको एक अच्छी थकावट की बहुत जरूरत होती है। तो अगर आप अभी देखिए मेरे भी परिवार में कई ऐसे रिश्तेदार लोग हैं, तो मेरी मेरी बेटी भी मुझसे कहती रहती कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं दोपहर को सो जाती हूँ। तो मैंने फिर उसको फिर यही बात हो रही थी कि भाई मैंने कहा तू दिन में सोना बंद कर दे तो थोड़ी रात को अच्छी नींद आएगी। तो अब वो दिन में सोना बंद कर दिया, वो काम करती रहती तो फिर वो रात को कहती कि अब अच्छी गहरी नींद आ रही है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि बॉडी नो हाउ टू हैंडल, देखिए बॉडी को कभी सिखाना नहीं पड़ता, आप बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ चलते रहिए, और जब तक आप काम करते रहिए, जब तक आपकी आंखों में भारीपन नहीं आवे। देखिए क्या होता है, हम खाना भी साइकोलॉजिकल खाते हैं और नींद भी साइकोलॉजिकल लेते हैं। अब हमें नींद आ नहीं रही है, मान लो 9-10 भी बज गए, 11 भी बज गए और आपको नींद नहीं आ रही ना, तो बेस्ट है कि किताब पढ़ना शुरू कर दें, कोई ऐसी चीज मतलब लिखना शुरू कर दें, किताब पढ़ना शुरू कर दें जो कि थोड़ी पॉजिटिव चीजें हो। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे फिर आपके आंखों में कुछ देर के बाद जब बॉडी की नीड होगी तो आंखों में भारीपन आएगा, नीड नहीं होगी तो भारीपन जल्दी नहीं आएगा। और फिर एक बार जब नींद आ गई तो उसके बाद में जब आप सो जाते हो तो देखिए जनरली हर आदमी के दिमाग में ना खाने पीने के कॉन्सेप्ट और सोने के ना कॉन्सेप्ट नहीं बनाने चाहिए। बॉडी उतनी ही नींद लेगी, उतना ही उसी समय भूख लगाएगी जब आपको एक्चुअल में रियली नीड होगी। तो आप क्या करते हो, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सुबह 6 बजे उठना चाहिए,
इसका कोई लेन देन नहीं है कि आपको सुबह कितना बजे उठना चाहिए। सिंपल सी बात यह है, आप सो जाओ और आप जबरदस्ती अलार्म लगा के उठने की कोशिश मत करो। आप है ना कॉन्सेप्ट बना के मत उठोगे मुझे 4 बजे उठना चाहिए। जी जानते हो क्यों? वो इंटरनल अनकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रेस रहता है हमेशा आपके दिमाग में। फिर आप क्या करते हो, उठ तो जाते हो, फिर आप वापस जो है ना आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा भारीपन रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एक स्पिरिचुअल मास्टर से मैं गुरुजी मिले, जो एक सरदारों के बहुत बड़े गुरुजी थे। तो वो सुबह सुबह 3 बजे उठ जाते थे, तो उसके बाद वो नहा धा के पूजा पाठ करके सिमरन करते थे। और बाद में जब मैं उनको मिलने जाता था तो मुझे पता चलता था कि वो 7 बजे नाश्ता कर कर आके वो 2 घंटा फिर सो जाते हैं। बोले वो सांस से नौ सो जाते हैं बोले। तो मैंने कहा यार ये फिर ऐसे सोने का क्या सेंस है भैया, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो उससे अच्छा है कि सुबह अच्छी 4-5 बजे तक अच्छी नींद ही ले लेते और पूरी नींद लेके उठते। देखिए क्या होता है, देखिए मैं यूं कहता हूं कि अपनी बॉडी की लैंग्वेज को फॉलो करो। भूख लगे तो खाना खाओ, टाइम और साइकोलॉजिकल मत अपने आप को मत उसके लिए साथ सेटिंग करो। और प्लस प्यास लगे तो पानी पियो, थक जाओ तो सो जाओ, आंख खुले तो उठ जाओ। तो यानी कि आप जबरदस्ती क्यों करते हो कि मुझे इतना बजे उठना चाहिए। देखिए मैं इस साइंस को समझ चुका था, तो मैं कभी भी सुबह प्लानिंग करके नहीं उठता कि मुझे इतने बजे उठना चाहिए। मेरी बॉडी अपने आप एक समय से पूरी नींद लेकर है ना अपने आप धीरे धीरे फिर वो सपने आने लगते हैं और धीरे धीरे मुझे आवाजें आने लगती है और मेरी आंखें खुल जाती है, तो मैं धीरे से फिर उठ जाता हूँ। अब वो 5 बजे, कई बार ऐसा होता है कि 5 बजे भी आंख खुल जाती है, कई बार 5:30 बजे खुल जाती है, कभी 6 बजे खुलती है, और सर्दियों में तो कई बार 6:30 तक भी नहीं खुलती मेरी आंख, ऐसा होता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया, बॉडी जाने, मैं क्यों सोचूं कि मुझे कब उठना है। हाँ अगर मुझे लगता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, मुझे काम बहुत करने होते हैं, मुझे ऑफिस जाना होता है मान लो, तो फिर मैं रात को 11-12 बजे सोने के बजाय मैं थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ। क्यों? मैं जानता हूँ कि बॉडी जनरली 6-7 घंटे की नींद अच्छी तरह से लेना चाहती है बस। अच्छा अब यहां पर भी एक बात बताना चाहता हूं, अगर देखिए एवरीथिंग इज कंडीशनिंग, एवरीथिंग इज एन हैबिट, एवरीथिंग इज योर बिलीफ एंड प्रोग्रामिंग। अब देखिए दुनिया के जितने बड़े बड़े आदमी हैं, आज चाहे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, या हमारे प्रेसिडेंट थे ओबामा जी, या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, या इंदिरा गांधी थी, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनका मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क होता है लाइफ में, ये लोग जनरली 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, ये मैंने देखा उनके बारे में। तो इनकी जो नींद है वो 4 घंटे की होती है। तो इनके माइंड में माइंडसेट क्या बन गया मालूम है, 4 घंटे हो गए बस बहुत चाहिए, और कितनी नींद चाहिए आदमी को। तो उनका बिलीफ सिस्टम ऐसे डेवलप हो गया। अब जो लोग ये सोच के सोते हैं कि यार 7-8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, अब वो अचानक उनको अगर 6 घंटे के बाद उठा दिया तो वो सारे दिन है ना दिन भर चिढ़ते रहेंगे कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई जी, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई जी, जबकि वो 6 घंटे की नींद भी काफी थी वैसे देखा जाए, पर वो साइकोलॉजिकली ना वो दिन भर सुस्ती फील करता है। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना है कि साइकोलॉजिकल कभी नहीं होना। और अगर आप चाहो तो अपने आप को ऐसा ट्रेन कर सकते हो कि आप सिर्फ 4 घंटे की नींद में पूरी नींद ले सकते हो, अगर आप चाहो तो ये प्रोग्रामिंग हो सकती है ऐसे। जी तो आप साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें काम करता है बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जो आप कंडीशनिंग की आप बात कर रहे हैं कि कुछ अभी कहते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छी जानी चाहिए, पहले लोग वॉक पर जाते थे या बाहर घूमते थे, अब है कि अब घरों में सिमटे हैं तो शायद उसी हवा में रह रहे हैं। अब ऐसे में क्या खिड़की दरवाजे आपको बालकनी में जाना चाहिए, खोलने चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन इतना होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन का आपका इनटेक है वो कम से कम सफिशेंट रहे जो आपकी बॉडी की जरूरत है, और क्या इसका भी आपकी नींद पर असर पड़ता है? देखिए टेम्परेचर और ऑक्सीजन ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है पूर्णिमा जी, इसीलिए आपने देखा होगा कि रात को अगर थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ गई और आपको अगर बॉडी में थोड़ा एनवायरनमेंट में कूलिंग नहीं है तो आपकी आंखें खुल जाती है और आप ना धीरे से बेचैन होने लग जाते हो। और ऑक्सीजन भी जो है वो मैं तो आज भी जो है बहुत क्या कहते हैं कि उस चीज़ को मिस करता हूँ कि जब एक ज़माना था जब हम बहुत बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें छत पे ले जाकर गद्दे लगाकर सुलाते थे हमें साथ में, तो उस समय बिल्कुल खुली हवा में आसमान होता था और हम उसमें सोते थे, तो मुझे लगता है कि यार क्या मस्त नींद आती थी उस समय, सुबह उठते थे हम लोग। तो इसमें कोई शक नहीं है कि
भरपूर ऑक्सीजन जो है वो बहुत जरूरी है नींद के लिए, लेकिन अब घरों में जो है मेरे ख्याल से कमरे दरवाजे सारे के सारे बंद हो गए हैं, तो अब हमें सिर्फ ज्यादा ज्यादा जो अब थोड़ा मिलता है वो मेरे ख्याल से बस एयर कंडीशन से, जो बाहर से आजकल वो जो एनर्जी सक करके, जो हवा सक करके, जो थोड़ा एयर कंडीशन उसको कन्वर्ट करके हमारे अंदर फेंक रहा है, बस वही हवा एक हमारे अंदर आ रही होती है, बस सिर्फ यूँ समझ ले। और अगर पंखा भी चल रहा होता है तो वो तो अंदर की हवा को रोटेट कर रहा होता है, कोई नया नहीं तो हवा आ नहीं रही होती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी जो है ना बहुत टूटा टूटा और अच्छी नींद फील नहीं करेगी कभी इस माहौल में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए हम लोग जब बाहर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं या गाँवों में जाते हैं और वहाँ जाकर जब सोते हैं तो कहते हैं यार बड़ा मज़ा आ गया यहाँ पे सो के। तो कारण क्या है, ये वाकई में भी अच्छी हवा का बहुत बड़ा जो रोल है, इसमें कोई शक नहीं है आपकी बात में जी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी डॉक्टर शर्मा, कई लोगों को हेडेक का प्रॉब्लम है या माइग्रेन का प्रॉब्लम है या और कोई इलनेसेस हैं, तो उसकी वजह से भी उनको ऐसा नींद में डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और उसका इलाज क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है? देखिए हालांकि अब बीमारियां तो बहुत सारी होती है, पर जनरली उसके लिए तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके उस बीमारी को ठीक करें, और नहीं है तो टेम्प्रेरी दो चार दिन के लिए मान लो कोई मेडिकेशन होम्योपैथी आयुर्वेदिक एलोपैथिक लेनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन कोई चीज़ का अडिक्शन नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं रेमेडीज बताने जा रहा हूँ कि अगर हम वो रात को सोने से पहले अगर मान लो नींद नहीं आ रही है कई लोगों को और उनको अगर नींद लेनी है तो सर दर्द के लिए भी और नींद के लिए, और साथ में अगर ब्लड प्रेशर भी इन्वॉल्व है, तो ये ब्लड प्रेशर, सर दर्द और नींद नहीं आना इन और अगर अस्थमेटिक अटैक है, तो ये चार एरिया है जिसमें ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बहुत काम करेगा। आप अगर रात को सोने से जाने से पहले आप एक बाल्टी में जो है पानी भर लें, और पानी भर के वो थोड़ा सा वार्म पानी होना चाहिए, मतलब जो टॉलरेट ल्यूक वार्म होना चाहिए, जो कि टॉलरेबल हॉट हो, यानी कि एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी इतना नहीं होना चाहिए कि जो मतलब परेशान कर दें। तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी होना चाहिए, और प्लस पानी उसमें जैसे ही आप अपना पाँव डालते हो ना, तो अपर जो ऊपर जो ब्लड काफ़ी, क्योंकि जब सर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर होता है, नींद नहीं आती ना, तो सारा ब्लड का फोर्स मैक्सिमम ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो वो है तो उसको है ना नीचे की तरफ जब हम पांव पानी में डालते हैं तो हमारे सारे नर्वस सिस्टम है ना एकदम रिलैक्स होकर सारा ब्लड नीचे की तरफ फ्लो होने लग जाता है और पांव की तरफ भाग जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपको थोड़ी सुस्ती और रिलैक्सेशन महसूस होता है, सर दर्द में भी, ब्लड प्रेशर में भी, और दूसरी अस्थमा में, सब बीमारियों में भी। तो उसमें एक बात का ध्यान और रखना जरूरी है कि या तो गर्दन के ऊपर यानी तो सर के ऊपर एक ठंडे पानी का भीगा हुआ तौलिया रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो है उस समय ताकि वो उसको एनर्जी को उस समय उसको बैलेंस कर रहा होता है। तो ऐसे करके आप जो है 15-20 मिनट अगर पानी में डालकर और लास्ट में जब पांव गर्म पानी से निकालें तो उसको फिर ठंडे पानी से धो देना चाहिए और जाके फिर सो जाना चाहिए। तो आपकी जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी जो है ब्रेन की वो लो डाउन हो जाती है और फिर आपको नींद आने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होता है। देखिए आपने कभी नोट किया होगा कि जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं ना, वो अक्सर बहुत ज़्यादा ड्राउजिंग और झपकियाँ बहुत मार रहे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है। तो इसीलिए ऐसे में ये ब्लड प्रेशर हमें ना इसका लो कर देते हैं, हम यूँ समझ लें। तो ये डेली प्रैक्टिस करने से नींद आने की समस्या आपकी 100% इसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एक बड़ा रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है। अच्छा, और दूसरा जो है, अगर सोने से पहले अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपके पांव के तलवे जो होते हैं ना, वो तलवे जो उसको सोल कहते हैं, उस सोल में पूरे नर्वस सिस्टम और ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप सोने से पहले अपने जितने पांव के जो टिप्स है ऊपर के, जो टोस है उनको भी दबा दबा के थोड़ी मालिश करें, और जो पांव के जो सोल है उसके नीचे अंगूठे से ऐसे प्रेशर देते हुए आप उनको 10 मिनट दोनों पांव में अगर मालिश करें, तो उससे बहुत जबरदस्त रिलैक्सेशन मिलता है और उससे भी ब्रेन जो है ना काफी काम डाउन हो जाता है नींद लेने के लिए। और साथ साथ में
अगर मान लो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कोई नींद में, तो आप अगर पिंडलियां जो है हमारी जो काफ मसल्स हैं वो हार्ट और हमारे पेट से कनेक्टेड है, तो आप जब पिंडलियों की यानी कि काफ मसल्स की मालिश ऊपर की तरफ करते हैं ऐसे 5-5, 10-10 मिनट तक दोनों पाँव के, तो वो पेट के रिलैक्सेशन होते ही आपकी नींद में उसका तुरंत असर पड़ने लगता है। तो ये भी एक बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है जिसका हम जो है उपयोग कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, कई लोग इसकी राय भी देते हैं कि सोने से पहले कोई अगर तेल की मालिश कर दे तो आपको बड़ी झपकी सी आने लगती है ना ऐसे, तो वो कारण क्या होता है? देखिए बेसिकली कई बार क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम वो है ना ऐसे सिकुड़ जाती है सारी नलियाँ, उसके कारण ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है, ये भी एक कारण बनता है। तो इसीलिए रात को इसलिए कई लोग जो है मालिश करवाते हैं तो उनसे फर्क पड़ता है। मैं चूंकि अपने पहले की जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस में ऐसे नींद वालों के ऊपर मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, मैं क्या करता हूँ कि उनको सुलाकर, मैं उनको सुलाने के बाद क्या करता हूँ, एक रेशम का एक रुमाल अपने हाथ में लेता हूँ, यानी तो एक पंख जो फीदर होता है जो हल्का हल्का होता है, अब मैं उसके उसके पूरी बॉडी पे ऐसे हल्का हल्का ना उसको मैं ऐसे उसको उसको टच करते हुए ऐसे घुमाता हूँ। तो आपने कभी देखा होगा जब आपके हाथ के ऊपर हल्का सा कोई उंगली रख के यूं यूं करे तो आपको बड़ी सेंसिटिविटी और गुदगुदी सी होती है, तो उससे ना हमारा नर्वस सिस्टम बड़ा रिलैक्स होता है और उससे भी नींद आने में ना बहुत मदद मिलती है। तो ये सर से लेकर पांव तक हम ऐसे सिल्क का कपड़ा धीरे धीरे घुमा रहे हैं या हम फेदर से जो है बॉडी को टच कर रहे हैं, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, एक और रेमेडी जो है बहुत काम की है कि आदमी की एक आदत होती है कि जब कोई दूसरा उसके साथ कुछ कर रहा होता है ना, तो आपने कभी नोट किया, देखिए ये आपने कभी नोट किया होगा, अगर आप कभी सैलून में जाती हैं बाल कटवाने के लिए या नहीं तो आदमी भी जो जाते हैं, तो क्या होता है अब हमारे पास कोई काम नहीं होता और कोई दूसरा आदमी हम पे काम कर रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें ना आपको थोड़ी सुस्ती आके नींद जैसी आने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ समबडी इज वर्किंग ऑन यू तो देन यू सरेंडर कंप्लीटली टू हिम। तो ऐसे कोई भी अगर आपकी बॉडी पे कुछ भी बैठ के कुछ काम कर रहा है, आपकी आंखों पे हाथ रख रहा है, जैसे रेकी आजकल लोग बहुत करते हैं, तो अगर आप रेकी कर रहे हैं तो वो क्या करता है, समबडी डूइंग समथिंग फॉर मी, तो वो उसके कारण जो है ना वो रिलैक्स होने लग जाता है, ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देता है। तो इस तरह से ये सारे जो ट्रीटमेंट है ये बहुत काम के हैं। और एक और जो चीज़ है जिससे नींद नहीं आने की समस्या आ सकती है वो है हमारा पेट। देखिए मध्य प्रदेश जितना गड़बड़ होगा तो उत्तर प्रदेश उतना ही हमारा परेशान रहता है, तो इसीलिए रात को जो लोग कहते हैं ना कि खाना नहीं खाना चाहिए, वो रात को खाना खाने की कोई समस्या नहीं है, आप रात को खाना खा के सो सकते हैं बशर्ते कि आपको घर आने के बाद 8-9 बजे रात को अच्छी भूख लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भूख अच्छी लगी होगी तो बॉडी ने डिमांड की, वो डाइजेशन 100% करेगी, वो रात दिन नहीं देखती। लेकिन जनरली क्या होता है, आदमी सुबह भी नाश्ता कर लेता है, दोपहर को भी खाना खा लेता है, 5-6 बजे भी कुछ खा लेता है, फिर रात को आता है तो हल्की फुल्की भूख होती है, फिर वो बीबी ने सब कुछ खाना बनाया होता है, वो सब कुछ या दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता है तो जो मर्जी है खूब खा लेता है, अब पेट में वो भारी पड़ता है, फिर गैसेस बनती है। और देखिए पेट में जितनी गैसेस बनेगी ना, तो पेट हम माइंड योर सोलर प्लेक्सस यानी कि ये जो चक्र है ये यहाँ से कनेक्टेड है, यानी कि हमारा पेट सेकेंड ब्रेन है, यहाँ जो गड़बड़ होगी वो सीधे ब्रेन को अफेक्ट करेगी, तो आपको क्या करेगी, ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी गैस फॉर्मेशन जो है, तो आपको रात भर जो है सपने दिखाती रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं सोया, आपको लगेगा पता नहीं मैं सोया कि नहीं सोया, आपको टूटी फूटी नींद रहेगी, करवटें बदलते रहोगे। तो ये सब बहुत बड़े कारण होते हैं पेट खराब होने के कारण, तो ऐसा खाना रात को खाना नहीं चाहिए। और इसमें भी खास करके रात को हमें गैस फॉर्मिंग जो फूड होते हैं ना उनको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए गैस किस किस से बनती है, जैसे अब कई लोग रात को जो है दूध पीने के शौकीन होते हैं, तो दूध गैस फॉर्मिंग है, वो भी खाने के बाद खाया तो ज़्यादा पेट में सड़ता है, अगर खाली पेट पीते तो चलो अलग बात होती। अच्छा, रात को दालें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, वो भली दिन में खा लो दाल वगैरह, अगर रात को दाल जैसे छोले राजमा उड़द बेसन पनीर जो भी प्रोटीन्स होते हैं सोयाबीन वगैरह, ये सब रात को गैस फॉर्मेशन करती है। और ज़्यादा और हैवी फ्राइड चीज़ें जो होती है
वो भी रात को ज्यादा नहीं खानी चाहिए। क्यों, कारण क्या होता है, पेट भारी तो मात भारी, ऐसा एक नियम है उसका। तो आप तो ये रात को थोड़ा खाना हल्का रख के हम जब जाते हैं या सिंपल खाना खाते हैं तो नींद की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी बेटर होने लग जाती है हमारी। तो ये सब छोटे छोटे बहुत सारे रेमेडीज है कि मतलब जिससे आप लोग जो है उसका लाभ उठा सकते हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा जी हमसे बात करने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जिसे नींद अच्छी आती है, जो पीसफुली सोता है, उसके वो बहुत बड़ी एक एक तरह से ब्लेसिंग है, एक नेमत है। बिल्कुल जी, ये क्या कहते हैं ना कि इसको करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। हाँ अच्छा, लेकिन एक बात, हाँ यहाँ पे मैं आपको पूर्णिमा जी और बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मतलब सालों में एक आध बार कभी, कि मुझे रात को कई बार कुछ घरों में नींद नहीं आई। अब मैंने ये देखा है कि अगर आप नींद नहीं आ रही है ना तो आप है ना रिलैक्स होकर आपको ये कहना मुझे नींद लेनी नहीं है, आए तो आए ना आए तो ना आए। मैं इतना रिलैक्स होकर पढ़ा रहा, मैंने कहा तेरी मर्जी है, आना तो आ रही तो बाहर में जा, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ चुपचाप, मैं तो चुपचाप अपनी श्वास को देखूंगा, मैं कुछ अच्छी कल्पना करके कोई इमेजिनेशन कर दूंगा। तो मैं क्या करता उस समय, मैंने क्या किया, मैंने कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा के मैंने सुनना शुरू कर दिया, मैंने कुछ गाने लगा के शुरू कर दिए। मैंने डिमांड नहीं की कि मुझे नींद आ जाए, एक्चुअली बता रहा हूँ। तो आप है ना जितनी डिमांड करोगे कि मुझे नींद आ जाए, आप नींद नहीं ले पाओगे। आपको क्या करना मालूम है, छोड़ देना है कि जा मुझे आना है तो आ, नहीं तो मत आ, और मैं चुपचाप पड़ा हूँ, मैं अपनी श्वास को गिनूंगा या मैं म्यूजिक सुन लूंगा ऐसे। तो मैंने भी ऐसे करना शुरू किया ना, तो मुझे लगा कि पता नहीं मुझे बाद में कब नींद आ गई ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से क्या होता है, आप जिस चीज के पीछे भागते ना वो चीज आपसे आगे भागती रहती है। तो नींद लेने की कोशिश मत कीजिए, उसके लिए स्ट्रगल मत कीजिए, छोड़ के चुपचाप पड़े हो जाए, पड़ जाइए कि तेरे को जब आना है आ जा भैया, बस मैं पड़ा हुआ हूँ बस, इस तरह से। तो ये चीज जानना हर आदमी को बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा हमसे बात करने के लिए और इतनी हम जानकारी हमें देने के लिए। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जो नींद है वो बहुत बड़ा सुख है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, एक अच्छा अच्छी बॉडी के लिए, ब्रेन का शांत होना, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का उस समय कुछ समय के लिए रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा भी सबको।